दिस इज़ अली अजमल, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और अपने क्लिनिक पे ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का इलाज करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि ज़हनी सेहत इतनी अहम क्यों है और हमें अपनी ज़हनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर किसी की ज़हनी सेहत ख़राब है तो वो शख्स ना सिर्फ के सारा दिन अजियत में मुब्तला रहेगा बल्कि वो दूसरों के लिए भी मसला बनेगा, वो काम ठीक तरह से नहीं कर सकेगा जिसकी वजह से उसकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, वो माशरती तौर पे ठीक तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा जिसकी वजह से उसके रिलेशनशिप ख़राब होंगे, वो अगर बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है या स्टूडेंट है तो वो कोई काम ऐसा शख्स नहीं कर सकेगा ठीक तरह से अगर उसकी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है। हमारी ज़िंदगियों में जो फ़र्क पड़ता है कि एक ही जितने इंटेलिजेंट लोग, एक ही जितने पढ़े लिखे लोग और एक ही जितने ज़िंदगी ने जिनको सब कुछ दिया है, एक शख्स बहुत आगे निकल गया, एक पीछे रह गया, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह हमारी ज़हनी सेहत है। अगर किसी की ज़हनी सेहत अच्छी है तो ज़िंदगी में तरक्की करेगा, वो ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारेगा, वो इस माशरे के लिए अच्छा होगा, वो अपने लिए अच्छा होगा। यहाँ पे मैं फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि बीमारी हो। दो लोग जो कि ज़हनी तौर पे बीमार नहीं हैं, लेकिन एक शख्स ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा सेहतमंद है और दूसरा शख्स ज़हनी तौर पे इतना सेहतमंद नहीं है, इनकी दोनों की ज़िंदगियों में, कामयाबियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या वो जर्नल टिप्स हैं, आप ऐसा क्या करें कि आप अपनी ज़हनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखें, जैसे जिस्मानी सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि खाना ठीक, खाना, एक्सरसाइज करना और उसके अलावा नींद अच्छी लेना, ये चीज़ें हमारी ज़हनी सेहत के लिए भी मैटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी डाइट को बेहतर कीजिए, आप अपनी स्लीप को बेहतर कीजिए, इसके अलावा आप एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाइए। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये ज़हनी सेहत में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप अपने माइंड को क्लियर कीजिए, जो गुज़र गया वो गुज़र गया, अब आप उसमें से निकल आए हैं, कोशिश कीजिए कि उसको छोड़ें पास को और हाल में ज़िंदगी गुजारें, भूल जाएं ऐसी चीज़ों को जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में जिन्होंने जगह घेरी हुई है और वो आपका कुछ सवार नहीं रही बल्कि आपको एक ऐसे तंग कर रही हैं। कुछ लोगों की हमारी आदत बन गई है कि हम दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जब हम एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं तब हमें लगता है कि ये तो दुनिया ही हमारे लिए बेमानी हो गई है। और एक्सपेक्टेशन से जो मेरा मुराद ये है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं और बाज़ औक़ात हम हालात से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ मैंने ऐसे समझी थी, ऐसे जानी थी, ये मेरे मुताबिक क्यों नहीं हुई, जैसे मैं माइंड में समझता था या समझती थी ये चीज़ें वैसे क्यों नहीं हुई। अब इससे क्या होता है, हम हर्ट होते हैं, एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं और फिर हम उसको अपने जहन में बिठा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़हनी सेहत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि अगर आप अपनी ज़हनी सेहत को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए। और जो हमारी ज़हनी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कंपेरिज़न, हम एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम ये इस आदत में मुब्तला होते हैं कि मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करूं और हर चीज़ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करूं। ये हमारी ज़हनी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है और हमारी खुशी के लिए भी। देखें, मैं बतौर माहिर नफ्सियात आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है, ऐन मुमकिन है जो एक शख्स में सलाहियत हो वो दूसरे में ना हो, और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर दूसरे शख्स में कोई और सलाहियत है जो कि पहले शख्स में ना हो। अगर हम अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक मुनफरिद सलाहियतों से नवाजा है, आप अपने आप को कंपैरिजन करने के बजाय आप अपनी सलाहियतों को पहचानिए। और अगर दुनिया का बेहतरीन शख्स, परफेक्ट बेहतरीन शख्स भी इस आदत में मुब्तला है कि वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है हर चीज़ में, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे जो परफेक्ट किस्म का इंसान जो इस वक्त होगा वो भी ऐसे जो है ज़हनी सेहत ख़राब कर बैठेगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि दुनिया का हर शख्स जो है वो दुनिया के हर दूसरे सारे शख्स से हर एक क्वालिटी में बेहतर हो। तो लिहाजा अपने आप का कंपेरिज़न लोगों से मत कीजिए। कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव सोचने के आदी होते हैं, हर चीज़ में वो तस्वीर का उलट रुख, एक नेगेटिव रुख ही देखते हैं, ऐसा मत कीजिए। बाज़ औक़ात
ऐसा भी होता है कि तस्वीर वाकई पूरी नेगेटिव होती है, लेकिन हमने तस्वीर के लिए या हालात के लिए या नेगेटिव लोगों के लिए हमने पॉजिटिव नहीं सोचना, हमने अपने लिए पॉजिटिव सोचना है। अगर आप नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव सोचते हैं या इग्नोर ऐसा करते हैं नेगेटिविटी को और अपने माइंड में पॉजिटिव रहते हैं, तो यकीन कीजिए आप अपने किसी राइवल पे एहसान नहीं कर रहे, आप अपने किसी दोस्त पे एहसान नहीं कर रहे, आप अपने आप पे एहसान कर रहे हैं। लिहाजा अगर चीज़ें नेगेटिव भी हैं तो कोशिश कीजिए कि नेगेटिविटी को अपने दिमाग में सवार करने के बजाय कुछ पॉजिटिव सोचने की अपने आप को आदत डालिए, और ये आपने पॉजिटिव अपनी सेहत के लिए सोचना। एक और बड़ा देखने में आया है, कुछ लोग अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब कर बैठते हैं हालात की वजह से, लोगों की वजह से, लोगों ने उनको कुछ कहा, उन्होंने कुछ सुना, और वो अपने आप को ना कुछ अच्छे लोग नहीं समझते। मेरे पास बड़े ऐसे क्लिनिक में लोग आते हैं जो कि बाकायदा तौर पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या दूसरे मसलों में इन्वॉल्व हैं, उनमें एक ये भी मसला चल रहा होता है कि वो सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने आप की इज्जत करनी चाहिए, अपने आप को अहमियत दीजिए। दुनिया में आप अपने लिए सबसे बेहतर शख्स हैं, आप अपने फेवरेट होने चाहिए।